दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोबारा से बात करेंगे कि किस तरीके से हम बिलिंग ऐप को और आगे हम कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अभी इससे पहले मैंने आपको वीडियो में, जब आपने मेरी अगर पहली वाली जो वीडियो जिसमें देखी होगी, तो उसमें हमने बात किया था कि किस तरीके से हम वहाँ पे डेट और जब तक सीरियल नंबर वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो अभी हम उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने स्टार्टअप ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ वीडियो, यदि आपको ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं इसके लिए अपने गूगल सीट के अंदर। और यहाँ पर देखिए, एक्चुअली मेरा ये कोड एडिटर है और मेरा पहले हम इसके पहले चलते हैं अपने गूगल सीट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग सीरियल नंबर यहाँ पर किस तरीके से लाना है, वो चीज़ मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसको फिलहाल मैं इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख लीजिएगा। तो जैसे मैं भी यहां भी कोई भी आइटम कोड डालूंगा तो उसका जो सीरियल नंबर होगा वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है यहां पे। तो अभी हमें यहां पे ये करना है कि जैसे ही, अगर मान लीजिए मैं यहां से अगर कोई कोड डिलीट कर देता हूं, जैसे सपोज़ मैं इसको यहां से ये जो आइटम कोड है वो मैं डिलीट करूं, तो ये जो सीरियल नंबर है वो भी ऑटोमेटिकली यहां से रिमूव हो जानी चाहिए। तो ये जो है, इसमें ये जो ऑटोमेटिकली जो यहां से डेटा रिमूव हो रहा है, इसके लिए मैंने आपको अपनी स्टार्टिंग के वीडियोज़ में नहीं बताया था कि ये चीज़ हम कैसे कर सकेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बना दिया है, तो हम इसको एक बार दिखा देते हैं। सारी कंडीशन सब कुछ जो हमने पहले वाले कोड में दिया हुआ था, बस सेम सब कुछ वही है, लेकिन बस हमने इसमें एक और एंड हमने डाल दिया है कि इसमें मैंने हमने एक दूसरी कंडीशन ये भी डाल दी है। तो मैं पहले स्टार्ट से ही बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कंडीशन थी हमारा, कि सबसे पहले ये चेक करवाना था कि हमारा जो कुछ भी ट्रिगर, मतलब जो सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए जो हमने ट्रिगर लगाया हुआ है, वो तभी होना चाहिए कि सबसे पहले वो तभी होगा जब हमारा रो नंबर 6 होगा या उससे ग्रेटर होगा। मतलब उससे लेस होगा तो ये कोड रन नहीं होगा, लेकिन अगर उससे ग्रेटर है तो हम वहाँ पे सीरियल नंबर लाएंगे। तो सबसे पहले हमने रो नंबर को चेक कराया, देन उसी तरीके से हमने कॉलम नंबर को चेक कराया, क्योंकि हमें तभी ये सीरियल नंबर जनरेट करवाना है जब हम आइटम कोड, यहाँ आइटम का कि जो ड्रॉप डाउन जो हमने बनाया हुआ, वहाँ से अगर हम कोई भी कोड यहाँ पर हम लेंगे आइटम का कोड, तो हमें यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉलम नंबर को भी यहाँ पे चेक करा हुआ है, साथ ही साथ हमने ये भी चेक करा हुआ है कि ये सीट होनी चाहिए बिलिंग ऐप की। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस, इस वाली सीट में जाऊँ और कुछ चेंजेस करूँ, तो यहाँ पर ये आपको ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, आपको ड्रॉप डाउन चाहिए केवल बिलिंग ऐप में। तो हमें यहाँ पर, हमने ये लॉजिक हमने पहले ही लगा लिया था, माई सीट इज इक्वल टू बिलिंग ऐप। अब हमें थर्ड कंडीशन, इसमें फोर्थ कंडीशन ये भी डालना है कि जो भी सीट डॉट गेट एक्टिव सेल डॉट गेट वैल्यू और यह इज इक्वल टू नॉट ब्लैंक हो, तब हमें जा करके यहाँ पर वैल्यू को जो होता है, मतलब सीरियल नंबर को हमें यहाँ पर डालना है। अदरवाइज मुझे जो होता है उस जो वो सीरियल नंबर का जो कॉलम है उसमें से हमें जो उसका सीरियल नंबर का 1 2 3 जो भी लिखा होगा वहाँ से हमें क्लियर कर देना है। मतलब अगर कहने का ये है कि अगर इसमें वैल्यू है तो आप सीरियल नंबर यहाँ पे लाएंगे, अगर यहाँ से मैं वैल्यू हटा दूंगा तो यहाँ से ये सीरियल नंबर भी रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पे एंड लगा करके सीट डॉट गेट एक्टिव सेल डॉट गेट वैल्यू और वह इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक होगा, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सीरियल नंबर वाला कॉलम है उसके अंदर हम सीरियल नंबर डालेंगे। और अगर ऐसे, अगर ये फॉल्स होता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीट डॉट गेट एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट -2। मतलब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए मैं यहाँ से कोड नंबर यहाँ पे अगर मैं डालूंगा तो ये मेरा एक्टिव सेल होगा। तो एक्टिव सेल अगर मैं, मेरा है जो ये, इससे मैं कह रहा हूँ कि दो कॉलम पीछे चला जाए, तो दो कॉलम पीछे जाने के लिए मैंने वहाँ पे -2 लिखा हुआ, तो वहाँ से मुझे क्लियर कंटेक्ट कर दें। मतलब ये कि अगर यहाँ से वैल्यू रिमूव होगी तो यहाँ से जा करके ये यहाँ से भी इसको सीरियल नंबर को रिमूव कर देगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे, और भी हम इसके फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जो डेटा लिस्ट है, यहाँ पे अगर आप जाएँ तो डेटा लिस्ट में हमने कुछ आइटम्स यहाँ पे, आइटम के कोड यहाँ पे बनाए हुए हैं, और यहाँ पर उसकी जो आइटम नेम है उसका रेट क्या है वो हमें यहाँ ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करवाना है। मतलब मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ भी कोडिंग करता हूँ, मतलब यहाँ जो कोई भी कोड सेलेक्ट करूँगा तो उससे रिलेटेड जो उस कोड का आइटम होगा वो उसके सामने आ जाना चाहिए। सेम इसी तरीके से और उसकी जो रेट है वो हमें यहाँ पे पॉपुलेट करवाना है। क्वांटिटी हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डालेंगे और देन हम यहाँ पे अमाउंट को भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कराएंगे, इसी तरीके से जीएसटी के लिए भी, और यहाँ पे टोटल अमाउंट भी हम डाल देंगे। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम जो होता है वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे
अलग से फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन और गेट वैल्यू, या फिर हम इसको कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व कोड है, फिलहाल से मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग, आई थिंक होना चाहिए, बट मैं फिर भी इसको गेट सीड वैल्यू मैं डाल देता हूँ इस फंक्शन का नाम। अब यहाँ पे हम एक्चुअली ये कोड हम बनाएंगे, तो एक्चुअली देखिए यहाँ सबसे टॉप में अगर हम चलें यहाँ पे देखिए, तो हमें जिस सीट में काम करना है मतलब जहाँ पे वैल्यू लानी है उस सीट को हमने ऊपर में ही डिफाइन किया हुआ है। अगर अब हमें यहाँ पे वो डेटा लिस्ट को जो होता है यहाँ पे काम, क्योंकि डेटा लिस्ट से ही सारी हमें आइटम नेम उसके रेट मिलेंगे, तो हमें इस सीट को भी एक्सेस करना होगा। तो इस सीट को एक्सेस करने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट, और यहाँ पे लिख देते हैं टारगेट सीट। हमारा टारगेट सीट बेसिकली कौन सा होने वाला है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम, यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं, और हमारा जो भी सीट नेम होगा उसको हम यहाँ पे दे देते हैं क्योंकि मुझे अभी इस सीट को भी एक्सेस करना है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब एक्चुअली हमें जो होता है गेट इसके जो भी डेटा रेंज मतलब यहाँ पे जहाँ भी वैल्यूज़ हैं इस वैल्यूज़ को एक्चुअली हमें चेक करवाना है, तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। लेट एक वेरिएबल पे बना लेते हैं डाटा, और यहाँ पे लिख देते हैं डाटा रेंज। डाटा रेंज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और डेटा रेंज में एक्चुअली हमारा जो ये जो हमारा जो टारगेट सीट है या हमें इसी सीट के अंदर ही डेटा रेंज को कैप्चर करना है, टारगेट सीट डॉट गेट डाटा रेंज। गेट डाटा रेंज भी एक मेथड है जो डायरेक्टली जो होता है डेटा को मतलब हमें कोई रेंज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली पूरे जो भी उस सीट के अंदर जितने भी डेटा होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गेट डाटा रेंज के अंदर कैप्चर हो जाता है। इसमें एक बेनिफिट वही है कि हमें अलग से इसमें रेंज डिफाइन करने की ज़रूरत है, अगर आप गेट डेटा रेंज का इस्तेमाल करेंगे तो ये पूरा का पूरा होल टेबल ही इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सिंगल टेबल है तभी आप गेट डेटा रेंज का इस्तेमाल करें, नहीं तो अगर आपके पास मान लीजिए सेम इसी तरीके का कुछ और टेबल हो या कुछ डिफरेंट टाइप्स का टेबल होगा और यह आपने कहीं और बना के रखा हुआ किसी और कॉलम में किसी अदर रो में, तो वो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा होल जो सीट के अंदर जितने भी डेटा होंगे ना वो उसके अंदर कैप्चर हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ पहले इंश्योर करके रखना है कि आपको उस सीट के अंदर का सिंगल टेबल है, तब आप गेट डेटा रेंज का इस्तेमाल करें। तो यहाँ गेट डेटा रेंज करके यहाँ पे आप लिख दीजिए गेट वैल्यूज़, तो गेट वैल्यूज़ यहाँ पे आपको लिख देना है, और यहाँ पे इस तरीके से सेमी कॉलन देके ये लाइन हमें क्लोज कर देनी है। तो हम इसको लॉगर में एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो हमें गेट डेटा रेंज हमने डाटा रेंज नाम को जो वेरिएबल लिया है इसके अंदर हमें क्या वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ, और हमने जो अभी नेक्स्ट जो अगला फंक्शन बनाया है गेट सीट वैल्यू, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आइटम नेम आइटम कोड और रेट यहाँ पे ये सारे जो कुछ भी हमारे पास डेटा था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर मैं चलूँ यहाँ पे आपको सीट में दिखाऊँ, तो यहाँ पर हमें ये इसका जो कोड है वो बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कोड है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो बिलिंग ऐप है यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे जो कुछ भी मैं कोड को सेलेक्ट करता हूँ, सपोज़ मैं इस कोड को मैं इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता चलूँ। तो सपोज़ मान लीजिए आपने पहला आइटम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये वैल्यू को इसमें जो कुछ भी जब हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं मतलब ड्रॉप डाउन से कोई भी हम आइटम कोड को लेते हैं, तो वो हमने कौन से कोड को सेलेक्ट किया है पहले उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। देन हम जब इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम अपने डेटा लिस्ट वाली जो टेबल में जाएंगे और इस कॉलम से मैच कराएंगे। जब ये कॉलम हमें मिल जाएगा तो हमें उसके उसके आइटम नेम और हमें रेट को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कोड कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा रेंज में हमें वैल्यू मिल चुकी है, तो हमें क्या करना है जो कि हमारा जो मेन सीट है जिसमें कि हमारा जो सीट नाम का वेरिएबल हमने टॉप पे डिफाइन किया हुआ ये वाला बिलिंग ऐप, ये जो सीट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो सबसे पहले हम सीट लिखते हैं। सीट में जो कुछ भी हमारा डॉट गेट एक्टिव सेल डॉट गेट वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा जो गेट एक्टिव जो हमारा सेल है उसकी हमें जो होता है वैल्यू को फाइंड आउट करना है, डॉट गेट एक्टिव सेल और डॉट गेट वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे हमने डाला। अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर हमें ये एक्चुअली हमारा लुकअप वैल्यू होगा, तो हम इसके लिए लुकअप
वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट लेट लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू तो के नाम से वेरिएबल हमने यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पर एक्चुअली हम अब यहाँ पे चेक करेंगे कि जो भी हमारा एक्टिव सेल और जो की जो वैल्यू है तो वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। सपोज़ जैसे अभी हमारा कर्सर है ये इस वाले सेल में, चूँकि हमारा जब आप ड्राप डाउन से सेलेक्ट करेंगे तो यही जिस पे आपका कर्सर होगा वहीं आपका एक्टिव सेल होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोड चेंज कर दिया, तो ये अभी आपका एक्टिव सेल है आपका C6। तो C6 की जो भी वैल्यू है वो हम देखते हैं कि लुकअप वैल्यू के अंदर स्टोर हुई है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लॉगर कर लेते हैं, इसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा और रन करता हूँ। तो हमारा क्या है कि इस ये जो मेथड है इससे हमें जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। देखिए हमको यहाँ पे MS014 तो ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। जब हमें ये वैल्यू मिल चुकी है तो इसको हम क्या करेंगे, इस सीट के अंदर जाएंगे और जो टेबल हमने जो डेटा रेंज नाम का वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर हम कैप्चर करेंगे। तो इसके अंदर हम कैसे कैप्चर करेंगे ये देख लेते हैं। अब जो ये डेटा रेंज है, तो डेटा रेंज बेसिकली क्या है, ये एक हमारा एरे है और एरे को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। एरे को या तो फिर आपको लूप के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा या फिर मैप मेथड का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास लूप है तो हम लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे डेटा रेंज नाम का जो हमारा वेरिएबल है डॉट, और यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर ईच। तो फॉर ईच हमें हम चूँकि ये कॉल बैक फंक्शन है तो इसके अंदर हम एक फंक्शन पास कर देते हैं। हम यहाँ पर कर देते हैं सेल वैल्यू, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल वैल्यू सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू बेसिकली ये क्या होगा कि सेल वैल्यू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो उसके अंदर पैरामीटर हम पास कर सकते हैं वो होता है इंडेक्स। तो इंडेक्स के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल डाल देते हैं आई। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों काम हो चुका है। तो सेल वैल्यू क्या होगा, वो हमारे टेबल की हर एक वैल्यू को चेक करेगा। तो जो हमारा जो टेबल की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, अगर मैं चलता हूँ डेटा सीट के लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे हमारा जो टेबल है उसमें एक कॉलम है आइटम नेम का, दूसरा है आइटम कोड का, और इसी तरीके से है रेट का। तो मेरे पास मतलब तीन कॉलम है, और हमें चूँकि हमारा जो आइटम कोड से ही हमें चेक करवाना है तो अगर उसकी इंडेक्सिंग आप चेक करोगे तो ये है 0 और ये है 1। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ऐप सीट की ऐप स्क्रिप्ट की सारी वीडियोस में बताया कि एरे किस तरीके से काम करता है। तो एरे की हमने यहाँ पे इसी तरीके से उसको देख लिया कि वहाँ पे इसकी जो इंडेक्सिंग है वो 1 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक एक वैल्यू को चेक करवाना है। तो सेल वैल्यू क्या करेगा कि आपकी डेटा रेंज की हर एक वैल्यू के लिए रीड होगा, लेकिन एक्चुअली हमें जो चेक करवाना है वो होगा हमारा फर्स्ट नंबर कॉलम की वैल्यू। फर्स्ट नंबर जो कॉलम होगा, क्योंकि ये 0 होगा और ये 1 होगा, तो यहाँ पे 1 नंबर कॉलम की हमें वैल्यू चेक करवानी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, और इसी वैल्यू को मैं लॉगर के अंदर चेक कर लूँगा कि क्या ये जो हम इस तरीके से यहाँ पे सेल वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो इसके अंदर एक्चुअली वैल्यू हमें क्या मिल रही है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लॉगर डॉट लॉग लिख लिया और सेव करके रन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको आइटम कोड एम ए, ये सारी जो हमारे पास आइटम की कोड की जो सारी जो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई थी वो हमें एक एक करके यहाँ पे मिल चुका है। अब जब हमें ये मिल चुका है तो हमारा जो एक्टिव सेल होगा लुकअप वैल्यू, तो हमें क्या करना है कि इसी वैल्यू से हमें मैच करवानी है। जहाँ पर ये मैच खा जाएगा वहाँ पर हमें उसके इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट कर लेना है रो का। तो हम जैसे ही वो मिल जाएगा बाकी हम उसके तो उसके आगे पीछे की जो भी कॉलम्स की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ कि सेल वैल्यू तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक लॉजिक के थ्रू उसकी सेल की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हमें लॉजिक अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है इफ़। तो हम यहाँ पे इफ़ में क्या लिखेंगे, इफ़ सेल वैल्यू 1, ये जो आपने अभी लिखा हुआ है इसको इफ़ के अंदर लिखिए, सेल वैल्यू 1 और यह इक्वल अगर हो जाता है हमारे लुकअप वैल्यू के, तो यहाँ पर क्या करना है, एक हम पहले यहाँ इसकी टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर लॉगर लॉग में हेलो प्रिंट करा देते हैं। मतलब जहाँ पे ये मैच खाएगा वहाँ पे हमें हेलो या इस तरीके से हम प्रिंट कर देंगे। ये देखिए मैं सेव करता हूँ देन रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो चुका है, मतलब ये जो एक्टिव सेल की जो वैल्यू थी वो हमारे इस टेबल मतलब जिस भी टेबल में मिला होगा जिस भी मतलब सेल के अंदर उस वहाँ पर मैच जब खा गया, मतलब जब कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो वहाँ पे हमें हेलो प्रिंट हो चुका है, प्रिंट हो गया क्योंकि हमारी ये डेटाबेस में एक ही बार है तो यहाँ पर एक ही बार उसने हेलो प्रिंट किया।
तो हमें यहाँ पे ये मिल चुका है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो MA014 है, अगर मैं वापस से जाऊँ बिलिंग के अंदर और मैं यहाँ पे कोई दूसरा कोड ले लेता हूँ जैसे GA89 और मैं वापस अपने कोड में जाऊँ और मैं रन करता हूँ, तो ये अगर ये भी मैच खा जाएगा तो वहाँ भी हेलो प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से रो नंबर पे है, ये जो जो ये कोड है इस डेटा लिस्ट के अंदर हमारे किस रो के अंदर है। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रो नंबर 4 है और कॉलम नंबर 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसके रो नंबर को फाइंड आउट करना है। तो अगर रो नंबर हमें मिल जाएगा तो हम इसके कॉलम्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हेलो प्रिंट हो रही है। अब जब ये हेलो प्रिंट हो रहा है तो मुझे क्या करना है कि ये जो आई है, आई बेसिकली क्या करता है, हर रो की इंडेक्सिंग बताता है। तो आई हमें यहाँ पे चेक करवाना कि आई एक्चुअली हमें वैल्यू क्या दे रहा है, तो वो एक्चुअली ये हमें रो नंबर बताता है आई। यहाँ मैं सेव करता हूँ, रन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर जहाँ पर ये मैच खाएगी वहाँ पर उसका रो का इंडेक्स हमें बता देगा। तो यहाँ पर आई हम चलते हैं और ये देखिए थर्ड नंबर रो पे हमें बता रहा है। थर्ड नंबर रो पे इसलिए बता रहा है क्योंकि जो एरे है वो स्टार्ट होता है 0 से। तो यहाँ से आप देखेंगे 0 है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो हमें ये पता चल चुका है कि ये 3 नंबर रो पर जा करके ये वैल्यू मैच खा रही है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, 4 है। तो यहाँ पर जो आई हमें बता रहा है उसमें हमें क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आई +1 कर देते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब वापस से चलते हैं, मैं कुछ दूसरा कोड लेता हूँ जैसे LM693 है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, तो हमें ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो मतलब जो रो इंडेक्सिंग है वो प्रॉपर मैच खा रही है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने कोड के अंदर और दोबारा से रन कर लेते हैं। तो देखिए ये रो नंबर हमें बता दिया 6। अगर मैं आपको चलूँ बिलिंग ऐप के अंदर और डेटा लिस्ट के अंदर मैं आपको लेके चलूँगा तो ये देखिए रो नंबर 6 हमें मिल रहा है, क्योंकि ये कोड भी 6 नंबर रो के अंदर ही है। तो अब हमें क्या हो रहा है कि हमें जब कोड जो रो नंबर है वो हमें मिल चुका है, तो हमें क्या करना है, इसके जो 0 नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए और देन हमें इसके रेट की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आई की जो वैल्यू है वो हमें देखने मिल रही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो टारगेट सीट है, यहाँ पे आप लिखें टारगेट सीट डॉट गेट रेंज, और यहाँ रेंज में आपको क्या पास करना है, आई प्लस वन, और हमें जो होता है इसकी जो होता है फर्स्ट नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए, डॉट गेट वैल्यू, गेट वैल्यू। और यहाँ पर हमें क्या होगा, ये बेसिकली जो 1 नंबर है वो हमारा कॉलम होगा कौन सा, आइटम नेम का। तो आइटम नेम हमारा जो होता है फर्स्ट नंबर कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट, और यहाँ पर डाल देते हैं आइटम नेम। तो यहाँ पर हमें आइटम नेम यहाँ से मिल जाएगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसके अमाउंट को भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। आई थिंक ये रेट है, तो मैं रेट को भी फाइंड आउट कर लूँगा। और ये जो रेट वाला जो कॉलम है ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो यहाँ पर सेम यही कोड में हमें जा करके यहाँ पे 1 की जगह पे 3 कर देना है, और यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल होगा वो है रेट। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें रेट भी फाइंड आउट हो चुका है और आइटम नेम भी हमें मिल चुका है। मैं एक बार आपको लॉगर के अंदर इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आइटम नेम, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसी तरीके से, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर रेट डाल देता हूँ, मैं अभी इसको सेव कर देता हूँ और वापस से मैं चलता हूँ अपने बिलिंग ऐप के अंदर। मैं यहाँ पे कोई दूसरा कोड ले लेता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं ले लेता हूँ AP145, और मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा इस कोड को रन करूँगा, तो हमें क्या होगा कि इसके जो आइटम, देखिए यहाँ पर आपको एप्पल और उसका जो रेट है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं वापस से चलूँगा डेटा लिस्ट के अंदर और यहाँ पे देखिए जो एप्पल है यहाँ पे उसका जो रेट है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, बस आपको यहाँ पे वैल्यू को डाल देना है। मतलब ये आपका जो भी एक्टिव सेल होगा उस सेल से हमें एक कॉलम पीछे जा कर के वहाँ पर आपको आइटम नेम पेस्ट करना है, और एक यहाँ पर 2 कॉलम आगे बढ़ के यहाँ पर रेट को डाल देना है। तो ये हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लॉगर को हटाता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ हमारा जो सीट है जो हमने ऊपर में डिफाइन किया हुआ है, सीट डॉट गेट रेंज डॉट यहाँ पर डॉट गेट एक्टिव सेल जो भी हमारा होगा,
गेट एक्टिव सेल, और ये गेट एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, यहाँ पर आपको ऑफसेट लेना है। और ऑफसेट में यहाँ पर अभी क्या करना है कि आपको रो और कॉलम नंबर यहाँ पे पास करना है, क्योंकि रो नंबर हमारा सेम होगा लेकिन कॉलम नंबर हमारा चेंज होगा। तो रो नंबर के लिए यहाँ पे जीरो डालेंगे क्योंकि ये चेंज हमें नहीं करना है, और हमें क्या करना है एक कॉलम पीछे जाना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन डॉट सेट वैल्यू, सेट वैल्यू में आप यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि हमारा वो आइटम नेम का कॉलम है, तो यहाँ पे मैं आइटम नेम डाल दूंगा। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं चलता हूँ, और यहाँ पे अभी माइनस वन की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा, ये हमारा कोड होगा। और हमें दो कॉलम आगे बढ़ के हमें यहाँ पर रेट डालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम डाल देंगे माइनस वन की जगह पर टू, और यहाँ पर हम लिख देंगे रेट। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डाल दिया है। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि यहाँ पर इसको पहली बात तो हमें ऑन एडिट ट्रिगर पर इसको हमें डाल देते हैं, क्योंकि इससे हमें जैसे ही मैं कोड में चेंजेस करूँगा तो हमें ये वाला जो फंक्शन है ये हमें कॉल कराना है। यहाँ पर मैं वापस से चलता हूँ अपने कोड के अंदर, और यहाँ पर हम चलते हैं गेट सीट वैल्यू, और यहाँ पर जो सेलेक्ट इवेंट टाइप है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन एडिट, और मैं कर देता हूँ इसको सेव। अब वापस से चलता हूँ मैं बिलिंग ऐप के अंदर, और यहाँ पर मैं कुछ कोड में वापस से कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे MA014, और मैं देख लेता हूँ क्या इसका आइटम नेम, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। यहाँ पर आपको इसका जो होता है आइटम नेम भी मिल चुका है, और यहाँ पर उसका जो रेट है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे जो है अलाइन करना चाहते हैं तो इसको आप जो है बट वह यहाँ पे सेंटर में करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के आप इसे सेंटर में कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, और हम इसको सेंटर में डाल देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं चलूँ यहाँ पे कोई दूसरा, अगर मैं आइटम को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं LI 48 को अगर सेलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ सीरियल नंबर तो ऐड हो चुका है, और उसका जो आइटम नेम है और उसका क्या रेट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ये चीज़, और तो यहाँ पर ये देखिए ये जो सीरियल नंबर ये तो हट चुका है लेकिन हमारा जो आइटम नेम है और रेट है ये नहीं हटा। तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसको भी हम यहाँ पे अगर हम कुछ भी डालते हैं तो यहाँ पर अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ आइटम कोड को, तो ये आइटम नेम और रेट हमारा ये भी क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ इसके कंटेंट को भी रिमूव करना है, तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने एडिटर के अंदर, और इसके लिए भी हम यहाँ पे कोड लिख देते हैं। तो यहाँ पर अभी ये जो पार्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं कर्सर क्लिक करूँगा तो ये इफ़ की मेरी क्लोजिंग आ रही है, इसी इफ़ के अंदर हमें दूसरा पार्ट यहाँ पे लिख देना है else में हम यहाँ पे डाल देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सी डॉट गेट एक्टिव सेल, ये जो है जहाँ पे अभी सेट वैल्यू ये हम कर रहे हैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो सेट वैल्यू है यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्लियर कंटेंट। फिर इसी तरीके से हमें दोबारा से इसी कोड को कॉपी कर लेना है। अब वापस से हम जाएंगे अपने रेट को भी हमें यहाँ पे रिमूव करवाना है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन कर देता हूँ इसके लिए भी, और यहाँ पे जो सेट वैल्यू है इसको भी मैं डॉट करके क्लियर कंटेंट कर देता हूँ इस तरीके से, मेरा इसको सेव कर देता हूँ। और वापस मैं अपने कोड के अंदर चलता हूँ, और मैं ये जो कोड है जहाँ पे LI वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। और ये देखिए यहाँ से डाटा भी रिमूव हो चुका है, सीरियल नंबर भी रिमूव हो चुका है, और देन आइटम भी हमारा रिमूव हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी क्वान्टिटी डालते हैं तो उसका जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाना चाहिए। तो अब इसको करने के लिए भी अलग अलग मेथड हैं, आप कोई भी एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास रिड्यूस मेथड भी है उसका भी इस्तेमाल करके आप यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मैप मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और या फिर डायरेक्टली आप इसके अंदर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से फार्मूला लिखा जाता है उसके लिए उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, और यहाँ पर मैं आपको फार्मूला कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस से चलता हूँ, और यहाँ पे ये सारा काम हो चुका है। अब इसको यहाँ पे ये पूरा ये हमारा जो फॉरिच की
लूप है यहाँ पे, ये सारा क्लोजिंग हो रही है। जस्ट मैं नीचे चलता हूँ और ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कि हमारा सीट है और यहाँ पे जो हमारा कॉलम है मेरा F6, मतलब यहाँ पे रो नंबर 6 है और ये जो इसकी क्लोजिंग हो रही है ये है 12 पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूले में हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो भी सीट है डॉट गेट रेंज, और यहाँ पर रेंज में हम डाल देते हैं बेसिकली 6 नंबर होगा रो, यहाँ पे मैं रो के लिए 6 कर देता हूँ। और यहाँ पे कॉलम के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पर कॉलम होगा हमारा, काउंट कर लेते हैं इसको, कॉलम है हमारा 6, मतलब 6 नंबर रो है और 6 नंबर कॉलम है। तो 6 नंबर रो और 6 नंबर कॉलम्स के लिए यहाँ पे आपको जो होता है दो बार 6 यहाँ पे डालना पड़ेगा। डॉट सेट फार्मूला, और फार्मूले में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे वैल्यू है हमारा क्वांटिटी और रेट, और ये जो क्वांटिटी और रेट होगा उसी का जो था हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी की भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन रेट की भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये 6 है इसको हमें यहाँ पे ये रो नंबर तो 6 हो ही रहा है और ये कॉलम नंबर भी हमारा 6 है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो हुई हो रहा है, लेकिन कितना रो नीचे जाना है ये भी हम यहाँ पे बता देते हैं। और ये हमें बताने के लिए यहाँ पर हम डाल देते हैं, यहाँ पर बताने के लिए ये एक्चुअली जो था रो को हम काउंट कर लेंगे कि ये एक्चुअली रो हमारा कितना हो रहा है। ये रो हो रहा है हमारा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर हम जो होते हैं कितने नंबर रो के लिए यहाँ पे 1, 7 डाल देते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए 1 डाल देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी रो होगा उस रो को आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पे यदि आप यहाँ पे देखें और मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ और ये वाला जो सेल होगा D6 और इनटू यहाँ पर आपको जो होता है ये वाला सेल, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जीरो टाइप का रिजल्ट मिलता है, मतलब ये वाली वैल्यू आपको वहाँ पर पास कर देना है। और यहाँ पर आपको डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के में इस तरीके से वैल्यू को पास कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये काम हो चुका है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो भी यहाँ पे रेट है, अब रेट एक्चुअली यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं वापस अपने कोड में जाता हूँ, यहाँ पे कोई भी आइटम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम रेट को एक बार चेक करेंगे कि ये रेट एक्चुअली क्या बता रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए ये फार्मूला तो यहाँ पे लग चुका है D8 और D यहाँ पे E7 ये देख रहे आ रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो आइटम के हिसाब से जो कोडिंग जो आइटम नेम है कोड के हिसाब से वो अभी हमें यहाँ पे पॉपुलेट नहीं हो रहा है। हम इसको अभी देख लेते हैं कि ये एक्चुअली क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर अभी देखिए ना आइटम आ रहा है ना यहाँ पर क्वान्टिटी आ रही है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, वापस से अपने कोड एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमें एक्चुअली क्या मिल रहा है यहाँ पर। तो वापस हम अपने कोड एडिटर के अंदर चलें और यहाँ पर जो हमारा लुकअप वैल्यू है इस लुकअप वैल्यू को हम यहाँ पे चेक करवा लेते हैं, क्या ये जो वैल्यू है क्या ये अभी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है ये हम चेकआउट कर लेते हैं। और मैं इसको चेकआउट करने के लिए लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं इसकी जो मैं हेलो पहले मैं मैच कर रहा था, क्या ये पहली बार वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं, और मैं इसमें डाल देता हूँ और मैं वापस अपने कोड के अंदर चलता हूँ और यहाँ से मैं कोई कोड को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कोड को चेंज किया, वापस से मैं चलूँ अपने रन के अंदर और मैं चेक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये कोड रन हो रहा है बिल्कुल परफेक्टली। और यहाँ पर अभी हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि कैट वैल्यू और सेट वैल्यू, यहाँ पर आइटम नेम आ रहा है बिल्कुल सब कुछ सही है।
तो अब देख लेते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। यहाँ पे सारी कुछ तो अभी हमने सही डाल दिया था। मैं इस कोड को पहले बात यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से इसको कमेंट आउट करता हूँ, बिलिंग ऐप के अंदर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने ये कोड डाला तभी से यहाँ पे बाकी फंक्शनैलिटी काम नहीं करे, तो मैं इसको एक बार यहाँ से रिमूव करता हूँ और वापस से हम अपने कोड के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ और भी आइटम्स को ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या आइटम नेम और उसकी जो रेट है क्या वो पॉपुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अभी तक तो हो रहा था लेकिन यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ जस्ट नीचे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए टोटल बॉक्स एंड कार्टून GST ये आ रहा है, तो हमें इसे डजेंट मैटर, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ बिल्कुल सब कुछ सही है, बट यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग वापस अपने कोड के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आइटम नेम की वैल्यू को हम यहाँ पे फैच आउट करते हैं कि क्या यहाँ पे अभी आइटम नेम वगैरह मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं यहाँ पे वापस से चलता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पे जो ये आइटम नेम है इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे डालता हूँ और इस बार इसमें रेट चेक कर ले, मतलब ये हम चेक कर लेते हैं कि क्या अभी ये सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वापस से मैंने इस कोड को सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एप्पल और यहाँ पे 60, तो ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे चेक करना है कि हमने यहाँ पे जब डाला हुआ तो ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है। तो हम वापस से चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दोबारा से कोई कोड को चेंज करके देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी तक ये यहाँ पे कुछ भी पॉपुलेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू भी मैच खा रही है, तो यहाँ पर आइटम नेम और यहाँ पर रेट जो अभी तक आ रहा था वो अभी तक नहीं आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ हमने ये यहाँ पे लगाया हुआ है पहली बात तो एल्स में, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहली बात इसको यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से एक बार, और एल्स को हम बाद में देखेंगे अभी फ़िलहाल। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, पहले एल्स पार्ट को सेव करता हूँ, एक बार वापस अपने कोड के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर मैं कोई और मान लीजिए आइटम कोड सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। और मैं वापस अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमने अभी फार्मूला वगैरह लगाया हुआ है उसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ से अपने कोड में जा करके और इस बार जो होता है दूसरा कोई आइटम कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जो हमने अभी यहाँ पे फार्मूला वगैरह अप्लाई किया हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पे पकड़ रहा है। मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पे कोई दूसरा कोड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे LM को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसका जो ये देखिए यहाँ पे लेमन उसकी क्या रेट है वो हमें देखने को मिल रहा है और अभी भी यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। मैं यहाँ पे अगर कोई भी क्वांटिटी डाल देता हूँ, जैसे सपोज़ 20 डाल देता हूँ, तो देखिए यहाँ 400 हो गया, यहाँ पे 445 डालता हूँ तो यहाँ पर ये भी हो चुका है, यहाँ पे 45 आ गया और ये डेटा यहाँ से ऑटो रिमूव हो चुका है और यहाँ से ये आइटम नेम यहाँ से हट गया है। तो आइटम नेम तो यहाँ से हट चुका है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ कि ये तो रिमूव नहीं होना चाहिए था। तो अभी यहाँ पे हमने तो किसी भी तरीके का यहाँ पे क्लियर कंटेंट नाम का तो यहाँ पे हमने कोई फंक्शन ऐसा डाला नहीं है, तो एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो सीरियल नंबर है क्या इसकी वजह से यहाँ पे डाटा रिमूव तो नहीं हो रहा है। तो मैं इसको सेव करके वापस से चलता हूँ अपने कोड के अंदर और मैं यहाँ पर अभी कुछ नया आइटम यहाँ पे कोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने LI यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है और आइटम नेम मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ पे सब कुछ तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह चेंज करता हूँ और ये देखता हूँ कि जो ये आइटम नेम है तो ये यहाँ पर वापस से पॉपुलेट हो रहा है कि नहीं। बट ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है ना यहाँ पे ये बार बार रन हो रही है
और यहाँ पे ये देखिए ये नेम यहाँ से हट नहीं रहा है। तो अभी यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रही है हमारा इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है कि ग्रेटर देन अगर 6 और कॉलम हमारा इज इक्वल टू 3 हो और माई सीट यहाँ पे होगा, नहीं तो यहाँ पर क्लियर कंटेंट कर देना है। तो अब एक्चुअली ये कंडीशन तो हमारे यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, और ये चीज़ मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यह जो कंडीशन दी हुई है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, तो मतलब ये जो अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वहाँ पर जाकर के वैल्यू को वहाँ पे डाल देना है, अदरवाइज़ यहाँ पे वैल्यू को डिलीट कर देना है। तो हमने यहाँ पर इसीलिए ये यही सेल में एडिट हो रही है, तो इसके जो लास्ट वाला सेल है वहाँ 2 रो जा कर के ऑफसेट हो रहा है और वहाँ पर वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या काम करना है कि यहाँ पर अब इसके लिए भी हमें कंडीशन लिखेंगे, बट हम क्या करते हैं कि अभी ये जो प्रॉब्लम है, मैं जो ये एल्स पार्ट है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये हम बाद में देख लेंगे। तो मैं इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ डेटा हमें लाना है। तो हमारा जो काम है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हो रहा है। तो अभी ये क्या हो रहा है कि ये कोड जो है बार बार रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी कोड को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं AP जो हमारा आइटम कोड है उसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो जो इसका आइटम है वो यहाँ आ रहा है, देन ये भी जो होता है ऑटो जो होता है पॉपुलेट हो जा रहा है, मतलब बार बार ये कोड रन हो रहा है। तो खैर इससे हमें कोई इशू नहीं है, ये हमारा बार बार जो होता है डेटा ट्रिगर हो रहा है। और मैं वापस यहाँ पर अगर चलता हूँ कोई दूसरा आइटम लेता हूँ, जैसे GA यहाँ पर 85 लेता हूँ, 89, तो जो उससे रिलेटेड आइटम है, देखिए यहाँ पर गुआवा है और उसका जो सीरियल नंबर होगा वो भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आया नहीं, हो सकता है मे बी नेट का इशू हो। तो हम यहाँ पे पहले कुछ भी रेट डाल देते हैं, जैसे मैं 40 डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सी यहाँ पे आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है और यहाँ पे ये कोड हम बिल्कुल सही चल रहा है। मैं वापस से यहाँ पर चलता हूँ और कोई यहाँ पर दूसरा आइटम ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ मैंगो। तो इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंगो आ चुका है, उसकी जो रेट है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो वापस से हम चलते हैं अपने कोड के अंदर, क्योंकि हमारा जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो भी एक्टिव सेल होगा सेट वैल्यू यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ़ की जो ब्लॉक है वो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये इफ़ को प्रॉपर वे में रीड नहीं हो पा रहा है। ये जो हमारा डेटा है इसी को हमें यहाँ से रिमूव कर देना है, बाद में इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो ये हमारा पूरा इफ़ स्टेटमेंट को भी गड़बड़ कर दे रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ बाहर से इसको एक क्लोजिंग करनी पड़ेगी, मतलब इस तरीके से कमेंट करना पड़ेगा। और वापस से हम अपने कोड के अंदर चलते हैं और ये जो दो हमारा कोड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये जो रेट है वो रेट यहाँ से रिमूव नहीं होने वाले, क्योंकि अभी हमने इसके लिए कोई कोड नहीं बनाया है। तो अभी हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर पहली बात तो अब देखते हैं क्या ये सीरियल नंबर यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसका जो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर भी आ चुका है, आइटम कोड भी आ चुका है और देन इसका रेट भी आ चुका है और यहाँ पर डेटा डन भी, मतलब उसके अमाउंट भी कैलकुलेट हो रहे हैं। तो अभी तक हमारा जो काम है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी जब क्लियर कब करना है इसके लिए हम कंडीशन आने वाले वीडियोस में देखेंगे, बट अभी हमें इस पे छोटा मोटा काम और है वो हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सम करना है, तो सम के लिए आप डायरेक्टली आप इसके अंदर फार्मूला भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, और आप डायरेक्टली इसके लिए कोड भी लिख सकते हैं। तो मैं इसके लिए अभी यहाँ पर फार्मूला ही डाल देता हूँ, इसके लिए मैं सम लिखता हूँ और हमारा जो रेंज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आता रहेगा। और GST के लिए भी आप यहाँ पे 12% 18% जो आप करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए भी आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम चलते हैं डेटा वैलिडेशंस में, और डेटा वैलिडेशंस के अंदर हम यहाँ पर दो वैल्यू हो जाता है यहाँ पर डाल देते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स, और आइटम्स के अंदर यहाँ पर हम डाल देते हैं 12,18, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो ड्रॉप डाउन होगा 12 और 18% के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अगर सपोज़ मुझे 18% के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे 18 आ चुका है। तो इस अमाउंट का एक्चुअली हमें 18% निकालना है। ये सारी चीज़ें आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्टली फार्मूला भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर चीज़ों को ज़्यादा कोडिंग में डालने से मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन है, हम इसका जो था 18% निकाल लेते हैं। तो हमारा ये जो अमाउंट है इसमें से हम 18% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार और 18
जो हमारा था जो भी परसेंटेज होगा बेसिकली, तो हमें डायरेक्टली हार्ड कोडेड करने के बजाय हमारे ये जो सेल में वैल्यू होगी उससे हम जो होता है इसका जो होता है डिवाइड कर देते हैं 100 का, तो इसका हमें 18% यहाँ पे देखने को आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, इस यहाँ पे इसको दोनों अमाउंट को आपको टोटल कर लेना है। ये हमारा बेसिकली ये डाटा भी होगा और देन प्लस हमारा ये वाला भी डाटा होगा, तो हमारा क्या होगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होती रहेंगी। लेकिन ये जो अमाउंट वाला कॉलम है ये देखिए बार बार ऑटो रिफ्रेश हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो अमाउंट यहाँ पे बार बार ऑटो रिफ्रेश हो रहा है उसको भी हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस के अंदर ही डाल देते हैं। ये जो सीट डॉट गेट रेंज है और यहाँ पे जो 6.6 ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डालना करने के बजाय इसको हम इसी इफ़ के अंदर ही डाल देते हैं, तो क्या होगा एक ही बार कोड यहाँ पे रन होएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं चलूँ यहाँ पे कोई भी नया अमाउंट डालता हूँ, जैसे कि मैं डाल देता हूँ एलएम का जो कोड है बेसिकली ये लेमन का है कोड, तो यहाँ पे देखिए लेमन का कोड भी आ चुका है और उसका जो रेट है वो यहाँ पे आ चुका है। बस आपको यहाँ पे सिंपली क्वांटिटी डालनी है, तो मैं यहाँ पे 50 डालता हूँ, तो देखिए ये कैलकुलेट हो चुका है, इसका यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट भी आ चुका है और देन इसमें GST भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुकी है और देन इसका टोटल भी यहाँ पे आ गया है। तो ये यहाँ पर आपने अभी तक ये देख लिया कि हमें किस तरीके से वैल्यू को गेट कर सकते हैं और डेटा को ऑटोमेटिक पॉपुलेट कर सकते हैं, उसका अमाउंट GST वगैरह जो कुछ भी कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आगे क्या करने वाले हैं वो हम अगली वीडियोस में देखने वाले हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको आइडियाज़ दे देता हूँ। इसमें हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे और जैसे ही हमारा ये ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर हमारा जो बिल नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट होना चाहिए। तो जैसे कि अभी हमारा बिलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो 1 से, तो जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो मेरा जो नेक्स्ट बिलिंग नंबर होगा वो 2 हो जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा को एक के नीचे एक ला सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम बिल को सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट बिल नंबर ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।